1947 एकदम से बहुत कुछ बदल गया। बहुत सी चीज़ें जुदा हुई लेकिन कुछ चीज़ें वैसी रह गई। एक तरफ क्रिकेट और फिल्में और दूसरी तरफ रूह अफ़ज़ा। पार्टीशन से 40 साल पहले 1907 दिल्ली की तपती गर्मी में रिलैक्स रहने का हमदर्द को आया ये जबरदस्त आइडिया। आज भी जब मैं और मेरे इंडियन दोस्त इकट्ठे होते हैं खाने पे या मैच देखने तो अपना पाकिस्तानी रूह अफ़ज़ा तो मस्त है, मस्त है, मस्त है, मस्त है, क्योंकि इट रिफ्रेशेस द सोल मेड फ्रॉम एक्सट्रैक्ट्स ऑफ 21 फ्लावर्स फ्रूट्स एंड हर्ब्स। टेस्ट, हेल्थ बेनिफिट्स और क्वालिटी सब एक साथ। रमजान में ही नहीं जिंदगी के हर मौके पे कहीं ना कहीं से पानी में, दूध में या फलूदे में रूह अफ़ज़ा शामिल हो ही जाता है। लेकिन एडवांस सीन हो गया भाई, अब मिक्सिंग की भी जरूरत नहीं है। डायरेक्टली कार्बोनेटेड वाला रूह अफ़ज़ा घो या दूध रूह अफ़ज़ा पकड़ लो। और जिंदगी कुछ ऐसे ही अपने आप में मुबारक है और इस तेजी से बदलते वक्त में हर पल को सेलिब्रेट करना चाहिए। तो दिल से आपको जिंदगी मुबारक।